आज मकर संक्रांति के पर्व पर धरनावत बालाजी में 29वां वार्षिक समारोह मनाया गया, जिसमें युवा किसान संघ रामगंज मंडी के द्वारा भारतीय सेना को समर्पित सप्तम रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार CI रामगंज मंडी व नागरिक मंच राजस्थान के संस्थापक राधेश्याम काला रहे। रक्तदान में पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें पुरुषों का लगभग 325 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान मौके पर डॉक्टर शिवम साइना, गोविंद यादव, पवित्र पारिक, दीपिका अर्जुन लाल ने सहयोग किया। कार्यक्रम में पधारे 34 वर्षों से संचालित जार एसोसिएशन के पत्रकार लोकेश मकवाना, राजेश जैन, कपिल चौहान, किशोर तंवर, रंजित मेघवाल, आशीष गुप्ता उपस्थित रहे। धरनावत धाम कमेटी के सदस्य मुकेश पाटीदार अध्यक्ष, देवराज मीणा, रतन मीणा, महावीर गुर्जर, बजरंग गुर्जर, दिनेश, मनोज सरपंच, सुनील, अमित, दिनेश, महावीर मीणा, बबलू, विजय गुप्ता, सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। धरनावत बालाजी से इसके मीडिया के लिए रंजित मेघवाल। डक कस्बे में मकर संक्रांति के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी देशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु गिल्ली डंडा प्रतियोगिता आयोजित हुई। भवानी मंडी रोड खेल मैदान में पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को डक ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई द्वारा पुरस्कार दिया गया। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को डक उप सरपंच सुरेश कुमावत काका की ओर से पुरस्कृत किया। वहीं ग्राम पंचायत डक जनसेवक दिलीप सिंह मंडलोई द्वारा टेंट माइक व्यवस्था के साथ साथ आगंतुक अतिथियों, खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए मकर संक्रांति स्पेशल तिल पपड़ी का अल्पाहार कराया। जानकारी प्रतियोगिता प्रभारी अरविंद लाड़ोती ने दी। डक से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद डक द्वारा देशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सारी टीमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है और लगातार पिछले कई वर्षों से डग ग्राम पंचायत के सरपंच शंभू सिंह जी मंडलोई, जनसेवक दिलीप सिंह मंडलोई सहित सभी गिल्ली डंडा के जितने भी प्रशंसक इस खेल के सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता है। दान एवं परोपकार के पर्व मकर संक्रांति को अन्न क्षेत्र सेवा संस्थान भवानी मंडी ने वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हुए सुबह 10:30 बजे आयोजित समारोह का प्रारंभ मां अन्नपूर्णा की आरती के साथ किया। वहीं उपस्थित लोगों ने गरीब असहाय लोगों को भोजन और मिठाई का वितरण किया। इस अवसर पर अन्न क्षेत्र के संरक्षक कालूलाल सालेचा, नंद किशोर सोनी, अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव बल्लभ दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, छगनलाल जैन, सदस्य रणछोड़ पोरवाल, दामोदर शुक्ला सहित भवानी मंडी के नागरिक जनप्रतिनिधि व व्यापारी उपस्थित रहे। जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी के सभी सदस्यों ने इस अवसर पर अन्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की और गरीबों को अपने हाथों से भोजन कराया व ऊनी वस्त्र भी बांटे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। हर वर्ष की तरह 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार 15 जनवरी रविवार को मनाने की सलाह ज्योतिषियों द्वारा दी गई थी एवं आने वाले साल भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मनेगा। कई जगह गौशालाओं में यानी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व मना। इसी क्रम में चौमेला में व्रजागी हनुमान मंदिर परिसर स्थित गौशाला द्वारा संक्रांति पर्व पर बैंडबाजों के साथ नगर में गौमाता की शोभा यात्रा निकाली। साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी, जिसमें नगरवासियों ने गायों के लिए खल, चारा, गेहूं, तिल, गुड़ दान किया। झोली में नगद राशि भेंट कर पुण्य कमाया। नगर में घूमने वाले गायों को नागरिकों ने हरा चारा डाला, तिल गुड़ खिलाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बे में झोली फैलाकर संघ के कोष के लिए चंदा प्राप्त किया, जिसमें अरविंद अग्रवाल, रितेश निगम, करण सिंह, ओम नागर आदि ने भाग लिया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। मेवाड़ विश्वविद्यालय में NS इकाई और राजस्थान परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। मेवाड़ विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए चित्तौड़गढ़ परिवहन निरीक्षक शकीला बानू ने सड़क पर वाहन चलाते वक्त कई आवश्यक सावधानियों को बरतने की सलाह दी। ट्रैफिक नियम के 3 संकेतों के बारे में बताया। सूचनात्मक संकेत, सावधानात्मक संकेत और अति आवश्यक संकेतों का खासा ध्यान रखते हुए वाहन चलाएं। वहीं उपस्थित जनसमूह से ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की शपथ दिलाई।
साथ ही रामेश्वर गर्ग ने अपनी टीम के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर कठपुतली का भी प्रदर्शन किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्र ने कहा कि ड्राइविंग करते समय स्पीड को नियंत्रित करके वाहन चलाने चाहिए। प्रतिकुलपति आनंद वर्धन शुक्ल ने कहा कि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें वाहन चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी वाहन चलाएं तो शराब न पिएं, न ही मोबाइल इस्तेमाल करें और न ही किसी गाड़ी को ओवरटेक करें। विश्वविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी इस दौरान मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित चौकी क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी पारंपरिक खेल खेले गए। आज चौकी पर पारंपरिक खेल सतोलिया, रस्सी कूद, खो खो और गिल्ली डंडा खेल खेले। साथ ही चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध गायिका पिंकी राज ने अपने गीतों से सबका मन मोह लिया। लक्ष्मी भारीवाल ने बताया कि आज के युग में लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हमें अपने पारंपरिक खेलों को महत्व देना चाहिए, साथ ही अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान करवाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। आज का जो युग है पतंग की तरफ ज्यादा दौड़ रहा है, इसीलिए पक्षियों की जान बेजुबान, पक्षियों की जान मनुष्यों की जान भी उस धागे से चली जाती है। आप अपने बच्चों को या अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए, जैसे पुराने खेल है गिल्ली डंडा, सितोलिया, खेल कूद, खो खो, ऐसे जो खेल है इनकी संस्कृति के बारे में उनको बताना चाहिए। नहीं सावधानियां बरतें, पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें, बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए।